हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो घर पे ओवर पके हुए केले को क्या आप फेंक देते हैं, तो वहीं हो जाइए स्टॉप, क्योंकि आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ कि ओवर पके हुए केले से आप कैसे बना सकते हैं एकदम सॉफ्ट और स्पंजी चॉकलेट केक, जो होगा टेस्टी साथ ही साथ बहुत ही हेल्दी। तो ये वीडियो एंड तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी आज की ये रेसिपी और बनाते हैं पके हुए केले से चॉकलेट केक। और आज का वीडियो अगर आपको अच्छा लगता है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को क्लिक करिए न्यू वीडियो नोटिफिकेशन के लिए, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करिए। तो एक मिक्सिंग बाउल के अंदर सबसे पहले हम डालेंगे यहाँ पे एक कप जितना मैदा। आप चाहें तो यहाँ मैदे की जगह गेहूं का आटा भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ मैदा ही यूज़ कर रही हूँ। इसके अंदर अब हम डालेंगे 3 चम्मच जितना कोको पाउडर, ये आपको किसी भी जनरल स्टोर पे आराम से मिल जाएगा। और अब हमें डालना है इसमें 4 चम्मच जितनी चीनी। चीनी आप अपने टेस्ट के हिसाब से डालिए, लेकिन कम ही रखिएगा, क्योंकि हम इसमें केला डालेंगे वो भी स्वीट होता है। और अब हम डालेंगे इसके अंदर 1 चम्मच जितना कुकिंग ऑयल। यहाँ पे नो फ्लेवर ऑयल लीजिएगा, मतलब मूंगफली का तेल या फिर सरसों का तेल नहीं, जिस तेल में कोई भी फ्लेवर ना हो, न्यूट्रल ऑयल हो, वो यूज़ करिएगा। तो इन सारी चीज़ों को हम कर देंगे एक बार अच्छे से मिक्स। और अब हम डालेंगे इसके अंदर 1/2 कप जितना दूध। दूध धीरे धीरे करके डालिएगा, अगर आपने एक संग डाल दिया तो बैटर हमारा एकदम पतला हो जाएगा। तो धीरे धीरे दूध डाल के इसका सेमी थिक सा बैटर रेडी कर लीजिए, ना ज़्यादा पतला ना ज़्यादा गाढ़ा। ये देखिए मैंने यहाँ पे सेमी थिक सा बैटर रेडी कर लिया है और इसके अंदर गया है 1/2 कप जितना दूध। तो जैसे ही ये बैटर मिक्स हो जाएगा, इसको मैं रख दूंगी साइड पे और यहाँ ले लूँगी अब मैं अपना ओवर पका हुआ केला। इसको छील के हम डाल देंगे एक बाउल के अंदर और फॉक की मदद से हम कर लेंगे इसे अच्छे से मैश। बहुत अच्छे से मैश करिएगा, केले के छोटे मोटे टुकड़े भी नहीं रहने चाहिए, एकदम अच्छे से इसको मैश कर लीजिए। यहाँ देखिए मैंने ओवर पके हुए केले को कर लिया है अच्छे से मैश, और यहाँ पे हमारा जो बैटर है वो भी अच्छे से रेडी हो गया है, मतलब रेस्ट हो गया है 5 मिनट के लिए एटलीस्ट। तो इस केले को जो हमने मैश किया था उसको डाल देंगे हम केक के बैटर के अंदर और इसको अब हम मिक्स कर लेंगे इस बैटर के साथ। तो यहाँ रेडी हो रहा है हमारा एकदम सॉफ्ट स्पंजी और हेल्दी चॉकलेट केक। बहुत अच्छे से मिक्स करने से पहले इसके अंदर सबसे पहले अब हम डालेंगे 1/4 चम्मच जितना बेकिंग पाउडर। यहाँ पे मैं डाल रही हूँ 1/4 चम्मच जितना बेकिंग पाउडर और इसका 1/2 मैं डालूंगी बेकिंग सोडा। अगर आपके पास बेकिंग पाउडर और बेकिंग सोडा नहीं है तो आप यहाँ पे 1/2 इनो का पैकेट यूज़ कर सकते हैं, मतलब जो पाउच आता है ना छोटे छोटे, उसका आप 1/2 पैकेट यूज़ कर सकते हैं। तो अब मेरे पास इनो नहीं था तो यहाँ मैंने बेकिंग सोडा और बेकिंग पाउडर यूज़ किया है। और इसके अंदर अब हम डाल देंगे 1 चम्मच जितना लेमन का जूस, ताकि ये जो हमारा बेकिंग सोडा और बेकिंग पाउडर है वो जल्दी से एक्टिवेट हो जाए और हमारा जो केक है वो एकदम स्पंजी और सॉफ्ट रेडी हो। एक बात का ध्यान ज़रूर रखिएगा, आप जितना बेकिंग पाउडर लेते हैं उसका 1/2 आपको बेकिंग सोडा लेना है, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने बैटर को कर लिया है मिक्स और यहाँ पे मैं इस केक को बनाऊंगी कटोरियों के अंदर, जिसको मैंने तेल से ग्रीस कर लिया है और बटर पेपर भी लगा लिया है। तो बस इस केक के बैटर को हम कर देंगे इन कटोरियों के अंदर पोर, और आप चाहें तो इसको डेकोरेट कर सकते हैं चॉप्ड आलमंड्स के संग, काजू के साथ या फिर पिस्ता के साथ, लेकिन मैं यहाँ पे केक स्प्रिंकल्स जो होते हैं उसके साथ डेकोरेट कर रही हूँ। आप अपनी पसंद से किसी भी चीज़ के साथ इन्हें डेकोरेट कर सकते हैं। तो बस यहाँ पे मेरे केक के बैटर जो है वो कटोरियों डेकोरेशन के साथ रेडी है। तो अब हम चलते हैं इसे स्टीम करने की तरफ। तो मैंने कढ़ाई में ऑलरेडी पानी गर्म होने रख दिया है और जाली भी रख दी है, तो इसके ऊपर अब हम रख देंगे हमारी ये केक की कटोरियां, जिसको हमने 1/4 जितना फिल किया है। अब आप चाहें तो इन कटोरियों को फॉइल पेपर से कवर कर सकते हैं, और अगर आपके पास फॉइल पेपर नहीं है तो यहाँ पे है मेरे पास एक ट्रिक, उसे ध्यान से सुनिएगा। कोई भी कॉटन का एक कपड़ा ले लीजिए जो आपकी इस कढ़ाई से या फिर जो भी आप जिस पे भी केक बना रहे हैं उससे बड़ा हो, उससे इस कढ़ाई को ढक दीजिए और ऊपर लगा दीजिए इसकी एक लिड। इससे होगा क्या कि जो पानी की भाप बनेगी वो हमारे केक के अंदर नहीं जाएगी, और जो कपड़े को जलाने के बचने से इस कपड़े को ऊपर की साइड इसे रख दीजिए, ताकि नीचे आँच की वजह से आपका कपड़ा जलेगा भी नहीं। तो बस इसको अब हम मीडियम फ्लेम पे स्टीम होने देंगे कुछ 10 से 15 मिनट के लिए। एक बार टूथपिक से चेक कर लीजिएगा कि अच्छे से कुक हुआ है या नहीं। तो देखिए यहाँ पे मैंने 15 मिनट के लिए इसे स्टीम होने दिया था और यहाँ पे हमारा रेडी हो गया है एकदम सॉफ्ट और स्पंजी हेल्दी बनाना केक। तो इनको एजिस से हम चक्कू से निकाल के हम कटोरियों से इन केक को निकाल देंगे
और ये बहुत ही सॉफ्ट और स्पंजी रेडी हुए हैं और बहुत ही हेल्दी हैं। अगर आपके बच्चे केले नहीं खाते हैं तो इस तरीके से आप उन्हें केले खिला सकते हैं। और इनको मैं डेकोरेट कर लूँगी बनाना के साथ और ऊपर मैं स्प्रिंकल कर दूँगी, कोई भी डेकोरेशन नहीं, लेकिन मैं इसमें डालूँगी चीनी, मतलब चीनी से मैं इसे करूँगी डेकोरेट ताकि ये थोड़ा और अट्रैक्टिव लगे और बच्चे इसे जल्द से जल्द खा लें। अब मैं आपको इसको दिखा रही हूँ कि ये जो हमारा चॉकलेट केक है वो कितना स्पंजी बना है। मैं नाइफ से आपको एक हमारा जो कटोरी से बना हुआ चॉकलेट केक है विद बनाना वो मैं आपको कट करके दिखाती हूँ। तो ये देखिए कितना सॉफ्ट एंड स्पंजी, वाव, देख रहे हैं ना कैसी जाली पड़ी है हमारे इस चॉकलेट केक में और कितना फटाफट बन गया है एकदम क्विक, सिर्फ 10 मिनट में। तो इस बनाना चॉकलेट केक को घर पर एक बार ज़रूर ट्राई करिए, आपके आपके बच्चों को ये बहुत पसंद आएगा और सबसे बढ़िया बात है कि ये बहुत जल्दी और क्विक बन जाता है। तो इसको बनाइए, आपका फीडबैक एक्सपीरियंस मेरे साथ कमेंट बॉक्स पे शेयर करिए। मैं मिलती हूँ आपको अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।